बरसात का मौसम चल रहा है, बारिश हो रही है, और बारिश के सीज़न में आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा इंसेक्ट्स आपके घरों में, घरों के आसपास, गार्डन्स में आपको दिखाई देते हैं। इसके पीछे का कारण यही है कि मॉनसून जो है, जहाँ पर मॉइस्चर होता है, ह्यूमिडिटी होती है, ये फेवरेबल कंडीशंस तैयार करते हैं इंसेक्ट्स के लिए, बीटल्स के लिए, जहाँ पर वो मेटिंग ब्रीडिंग कर सके। इसलिए आप देखोगे कि इनकी पॉपुलेशन में एक सडन स्पाइक आपको देखने मिलता है मॉनसून के दौरान। और हमारे घरों में भी अट्रैक्ट होकर आ जाते हैं, आर्टिफिशियल लाइट्स जो हमने लगाई हुई है, ये उनका एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है, उनमें इनकी कोई दोष नहीं है। तो अगर आपके घर में भी ऐसे आ जाते हैं तो मैं क्या करता हूँ कि इंसेक्ट्स को डब्बों में भर लेता हूँ, जितने भी तरह के आते हैं, फिर कोशिश करता हूँ कि उनको संभाल के बाहर वापस छोड़ दूँ, रिलीज़ कर दूँ दूसरी खिड़की से या फिर दरवाजे से, ताकि उनको भी कोई नुकसान ना हो और हमारा घर भी साफ रहे। अब ये जो मेहमान आए हैं हमारे घर में, इनके बारे में मैंने एंटोमोलॉजिस्ट से बात की तो उन्होंने कहा कि ये कैराबिडे फैमिली का के इंसेक्ट्स है, बीटल्स हैं। ये ग्राउंड बीटल्स की एक फैमिली है और मुख्यतः इसमें ये संभावना है कि ये लिस्टुस स्पीसीज है या फिर क्लाइनियस स्पीसीज है। और इन दोनों में से ज़्यादा संभावना है कि ये लिस्टुस स्पीसीज हो सकती है, क्योंकि सिमिलैरिटीज़ मुझे ज़्यादा लगती है। तो अगर आपके घर पे भी बरसात में ये मेहमान आए हैं तो आप सर्च कीजिए लिस्टुस स्पीसीज, तो आपको पता चलेगा, आप इनके बारे में और जानकारी जुटा सकते हैं, समझ सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, घर में जितने भी तरह के इंसेक्ट्स आते हैं तो मैं बहुत खुश हो जाता हूँ कि आज कौन सा तरीके का इंसेक्ट आया है, फिर उसके कुछ फ़ोटोज़ लेता हूँ, वीडियोज़ लेता हूँ, फिर उसको रिलीज़ करके मैं अपनी रिसर्च कंटिन्यू करता हूँ, ताकि मैं अपने आसपास के इंसेक्ट्स पॉपुलेशन को समझ सकूँ, इनकी डाइवर्सिटी को समझ सकूँ और क्या ये रोल प्ले करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम स्टडी कर सकते हैं। तो इंसेक्ट्स को स्टडी करना मेरे हिसाब से सबसे डिफ़िकल्ट काम होता होगा, क्योंकि लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ क्रीचर्स दुनिया भर में सबसे ज़्यादा स्पीसीज़ किसी चीज़ की पाई जाती है तो वो इंसेक्ट्स की पाई जाती है। तो आज इसी फैसिनेटिंग ग्रुप वर्ल्ड ऑफ इंसेक्ट्स में बीटल्स के बारे में हम बात करेंगे, मैं आपको जानकारी देने की कोशिश करूँगा। बीटल्स जो है, ये इनके लिए एक अलग इंसेक्टा क्लास के अंदर एक अलग ऑर्डर दिया हुआ है, जिसको कोलियोप्टेरा ऑर्डर कहा जाता है। सारे बीटल्स इसी में आते हैं और एक इनक्रेडिबली डाइवर्स और वेरियस हैबिटेट्स में दुनिया भर में पाए जाने वाली ये बीटल्स होते हैं। इंडिया तो रिच डाइवर्सिटी ऑफ बीटल्स स्पीसीज़ को रखता है। और बीटल्स जो है, इनके कई सारे रोल है एनवायरनमेंट में, इकोलॉजी में, लेकिन इनका मुख्य रोल जो है वो डीकम्पोजर्स का है। ये मदद करते हैं ब्रेक डाउन करने में प्लांट मटेरियल, एनिमल रिमेन्स को, ताकि जो न्यूट्रिएंट साइकिल है, रिसाइकलिंग होती रहे और नेचर का बैलेंस मेंटेन होता रहे। बीटल की लाइफ साइकिल भी कुछ हद तक बटरफ्लाई जैसी होती है, जहाँ पर फीमेल एग देती है, एग से लार्वा तैयार होता है, लार्वा कोशिश करती है कि फूड सोर्स के आसपास अंडे दे, ताकि लार्वा उसको खा करके डेवलप हो सके। प्यूपल स्टेज आता है, प्यूपल स्टेज के बाद हमको पता है मेटामॉर्फोसिस होता है, जिसके पश्चात वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं इनटू एडल्ट्स, जहाँ पर वो मेटिंग या रिप्रोडक्शन के कैपेबल हो जाते हैं। बीटल्स जो है अलग अलग शेप, साइज़ और कलर में होते हैं, और यहाँ पर जो हमारे मेहमान हैं वो हम देख सकते हैं कि डल कलर है, ब्लैक या ब्राउन, तो शायद इनको ये कैमोफ्लाज करने में मदद करता होगा। कई होते हैं जो चटक रंग के होते हैं, जो कि एक वार्निंग सिग्नल हो सकता है प्रेडेटर्स के लिए, या फिर ये जो कैराबिडे फैमिली जो है, जिसमें ग्राउंड बीटल्स आते हैं, वो जो मैंने पता किया कि ये एक डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पर फाउल ऑर्डर भी रिलीज़ करते हैं। बीटल्स जो है, मैंने कहा, इंसेक्टा क्लास को बिलोंग करते हैं और लार्जेस्ट क्लास है एनिमल किंगडम के अंदर, और बीटल्स के लिए एक अलग ऑर्डर है कोलियोप्टेरा। बीटल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डीकम्पोजिशन का, जैसा मैंने कहा, साथ ही साथ पॉलिनेटर्स, सीड डिस्पर्जर्स, खुद ये प्रेडेटर्स भी है, किसी के प्रे भी है।
तो एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है इनका। कैराबिडे जो फैमिली है जिसकी स्पीसीज आप देख रहे हो वो ग्राउंड बीटल्स की फैमिली है, जिसमें 40,000 से ज़्यादा स्पीसीज दुनिया भर में पाई जाती है और एक इम्पॉर्टेंट बायो इंडिकेटर है ऑफ हेल्थ ऑफ द इकोसिस्टम। मतलब अगर आपको ये दिखाई दे रहा है आपके आसपास तो आप समझ लीजिए कि आपका आसपास के एरिया पॉल्यूशन फ्री है, डिस्टर्बेंस कम है, पॉल्यूशन लेवल कम है, तभी एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है चेंज को लेकर के। ये ही नहीं, सारे बहुत सारे बीटल्स की स्पीसीज, बहुत सारे इंसेक्ट्स, तो इंसेक्ट्स को स्टडी करने पर, देखने पर हमें ये पता चलता है कि हमारे आसपास का वातावरण कैसा है, क्या कोई डिस्टर्बेंस बढ़ गई है, क्या पॉल्यूशन लेवल बढ़ गए हैं। ग्राउंड बीटल्स की खास बात क्या होती है कि इनकी इलॉन्गेटेड बॉडी शेप होता है और एक हार्डन्ड फोरविंग्स होती है जिसको एलिट्रा कहा जाता है, जो कि इसको प्रोटेक्ट करती है हिंडविंग्स को, याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और पावरफुल मैंडिबल्स होते हैं, लॉन्ग लेग्स, ताकि ये भाग सके, हंट कर सके। ये नॉक्टर्नल होते हैं, रात को शिकार के लिए निकलते हैं और कुशल शिकारी भी होते हैं। जब इंसेक्ट्स की बात करते हैं तो दो टर्म बायोलॉजी के अंदर इम्पॉर्टेंट होते हैं, एंटोमोलॉजिस्ट और कोलियोप्टेरा। एंटोमोलॉजिस्ट वो होते हैं जो जनरली इंसेक्ट्स की स्टडी करते हैं और जो स्पेसिफिक डिटेल में जाते हैं बीटल्स को लेकर के, स्पेसिफिकली बीटल्स की स्टडी करते हैं, उनको उस ऑर्डर कोलियोप्टेरा को स्टडी करते हैं, वो होता है बीटल एक्सपर्ट्स। जब बीटल्स की बात हो ही रही हो और उसमें हम लेडी बर्ड का नाम ना ले तो कैसे चलेगा। लेडी बर्ड जो है वो बीटल्स ही है जो कि बेनिफिशियल इंसेक्ट्स के तौर पर देखे जाते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, ह्यूमंस के लिए, ह्यूमंस की मदद करते हैं, म्यूचुअली एक बेनिफिशियल रिलेशनशिप हमारा है लेडी बर्ड के साथ। आपने देखा होगा लेडी बर्ड को, तो ये फार्मर्स के भी फ्रेंड है, गार्डन्स में भी आपके फ्रेंड हो सकते हैं। तो कोशिश कीजिए आप लेडी बर्ड की पॉपुलेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकें। YouTube पर अगली वीडियो मेरी 5 मोस्ट बेनिफिशियल गार्डन इंसेक्ट्स के बारे में होगी, तो आप वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। उसमें मैं 5 ऐसे इंसेक्ट्स बताऊंगा जो आपको गार्डन में, अगर आपके गार्डन में है तो उससे आपको बेनिफिट होता है। और कोशिश करनी चाहिए हमें कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग प्लांट्स लगाएं ताकि ये इंसेक्ट्स अट्रैक्ट हो सके हमारे गार्डन में। इनको बचाने का, इनको हेल्प करने का एक आसान तरीका यही है कि हम नेटिव प्लांट्स लगाएं और फ्लावरिंग प्लांट्स लगाएं।